हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो आज हम पढ़ेंगे नेमिंग वर्ड्स। तो क्या होते हैं नेमिंग वर्ड्स? व्हाट डू यू मीन बाय नेमिंग वर्ड्स? सो एज द नेम सजेस्ट, नेमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स विच टेल्स यू अबाउट द नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एंड इंसेक्ट। सो एवरीथिंग हैज़ अ नेम चिल्ड्रन इन दिस वर्ल्ड। एवरीथिंग हैज़ अ नेम। हर चीज़ का नाम होता है। पीपल हैव नेम्स, प्लेसेस हैव नेम्स, एनिमल्स हैव नेम्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ नेम। आई हैव अ नेम, यू हैव अ नेम। ओके, सो नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स और नाउन। नेमिंग वर्ड्स एंड नाउन बोथ आर सेम थिंग। सो विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट यू कैन सी पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग्स आर नेमिंग वर्ड्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें हम जो नेमिंग वर्ड्स हैं उसमें सर्कल करेंगे। तो नेमिंग वर्ड्स हमें पता चल गए हैं कि किसी भी पर्सन, किसी प्लेस, जगह, किसी एनिमल, इंसेक्ट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, सबको क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। सो सर्कल द नेमिंग वर्ड्स इन द क्वेश्चन। सो देयर आर फ्यू सेंटेंसेस एंड यू हैव टू सर्कल द नेमिंग वर्ड्स हियर। सो रवि हैज़ अ कार। रवि हैज़ अ कार। रवि इज नेम ऑफ अ पर्सन। हैज़ अ कार। कार इज अ थिंग, येस और नो? कार इज अ थिंग। सो वी विल सर्कल रवि एंड कार। रवि एंड कार। रीता इज अ प्रिटी गर्ल। रीता इज अ प्रिटी गर्ल। सो रीता इज ऑल्सो नेमिंग वर्ड एंड इज अ प्रिटी। इट इज नॉट नेमिंग वर्ड, प्रिटी इज क्वालिटी। ओके, सो दिस इज डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। गर्ल, सो गर्ल इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड। आई हैव अ डॉग। डॉग हियर, dog is naming word. Madhu is driving. So Madhu is name of a girl, of a lady, of a person. So Madhu, you will circle Madhu. Bhanu runs in the park. So children, Bhanu is name of a girl and park is a place. Park is a place. So we will circle Bhanu and park. Now children, naming words are divided into two categories. Here in this video, we will learn about common noun and proper noun. There are other nouns also, abstract noun, okay, and collective noun. So, but in this video, we are going to learn about common noun and proper noun. So, let's learn about common noun. What do you mean by common noun? So, children, common noun are the general names. They don't begin with a capital letter. So, these are the general names and they don't begin with a capital letter. Boy, shop, any shop, city, any city. These are the general names. Okay, car, plant. Now let's move to the proper noun. Proper means particular, specific or special names that are given to a person, place, animal, thing. Like Ravi. Ravi is a special name which is given to a boy. But you can see boy is general, so it is common noun. But Ravi is a special name, so it is proper noun. Sunday, okay, Sunday is name of day. There are 7 days in a week, so Sunday is a special name which is given to a day, which is last day of the week. Now Delhi, okay, after that Japan. Japan is a special name of a country. There are so many countries. But if we talk about country only, country will be common in. However, if we say India, America, Japan, it is proper noun. Okay. So there are few questions that we will solve which are based on the common and proper noun. Underline the common noun here. There are 4 or 5 sentences. You have to underline common noun. I have a bed.
सो बेड इज कॉमन नाउन, बेड इज अ थिंग, इट इज अ नाउन एंड इट इज अ कॉमन नाउन. ओके सो वी विल अंडरलाइन कॉमन नाउन हेयर. वी कैन रीड अ बुक, सो बुक इज अ कॉमन नाउन बिकॉज देर आर सो मैनी बुक्स, बट दिस इज ओनली बुक इज ओनली रिटन, इट इज नॉट अ स्पेसिफिक बुक, इट इज नॉट अ स्पेशल नेम. ओके लाइक इफ यू इन प्लेस ऑफ बुक रामायण और गीता, सो दैट इज स्पेशल बुक, दैट विल बी प्रॉपर नाउन, बट ओनली बुक इज रिटन हेयर, सो बुक इज अ कॉमन नाउन, इट इज अ कॉमन नेम, इट इज अ जर्नल नेम. ही सिट्स ऑन अ बेंच, सो चिल्ड्रेन इट इज वेरी इजी, बेंच इज कॉमन नाउन हेयर. बेनी इज रेडी टू टेक अ बस, सो बेनी इज अ स्पेशल नेम विच इज गिवन टू अ बॉय. ओके सो दिस इज नॉट कॉमन नाउन, दिस इज प्रॉपर नाउन, ओनली बस इज अ कॉमन नाउन हेयर. राधा हैज अ बिग हाउस, सो राधा इज प्रॉपर नेम, इट इज प्रॉपर नाउन. हाउ एवर हाउस इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, इट इज कॉमन नाउन, सो वी विल अंडरलाइन हाउस. देर आर सम मोर क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन प्रॉपर नाउन. लेट मी शो यू, लेट मी डिस्कस इट विद यू. What we have learned that proper noun are the special names. Okay, children, one more thing I want to discuss with you, that names of days, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, all the 7 days, months, January to December, holidays and festivals are proper noun, and the proper noun, they begin with a capital letter. Proper noun begin with a capital letter, okay. January is a cold month. So children, we can see that January is name of a month and January is begin with a capital letter. So yes, this is proper noun. Tomorrow is Holi. So Holi is a festival and we can see it begins, the Holi word begins with a capital letter. So it is also a proper noun. After that, Rocky has a dog. Rocky is name of a boy, so we will circle this. Has a dog. Dog, which dog? So this is common noun because there are so many dogs. If in place of dog, Sheru or Tiger or any name of dog will be there, so then only we will circle it. Okay. Madhu and Sia are playing. So dog is not a proper noun, it is common noun. Madhu and Sia are playing, so it is very easy. Madhu and Sia are proper noun. Jyoti has a basket. Jyoti is name of a girl. Basket is a common noun. Okay, it is general name. Anu is an intelligent girl. So Anu here, Anu is intelligent girl. Girl is, it is a general name. It is a common name. Boy, girl, lady. So Annu here, Annu is proper noun. Ram and Shyam are playing in market. So only Ram and Shyam you will circle. Market is common or general name. Aditi has a mat. So Aditi here, Aditi is a proper noun. However, mat is common noun. Okay. So I hope you like the video. If you like the video, like my video. Share it with your friends or relatives and don't forget to subscribe the channel for more videos. Agar aapko aur bhi videos chahiye noun par, like abstract noun, concrete noun, collective nouns aur alag Hindi grammar ke concept aur English mein jo grammar ke concept aate hain, so please subscribe my video for more grammar lessons. Thank you.